सुपरस्टार धर्मेंद्र के भाई और एक्टर अभय देओल के डैड फेमस पंजाबी एक्टर अजीत देओल अब इस दुनिया में नहीं रहे। गॉल ब्लैडर कॉम्प्लिकेशंस के चलते फ्राइडे शाम इनका निधन हो गया। जल्द ही एक्टर ऋतिक रोशन रियलिटी शो HRX हीरोज को होस्ट करने जा रहे हैं, जहां वो रियल लाइफ हीरोज की कहानियां दिखाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऋतिक ने शो से जुड़ी हुई बातें तो की, साथ ही अपना स्ट्रगल भी शेयर किया। Everybody wants to be a hero. सलमान की दिवाली रिलीज प्रेम रतन धन पायो में उनका जनता डिमांड डांस नजर आएगा। इतना ही नहीं, डायरेक्टर सूरज बड़जात्या की पिछली फिल्मों की तरह ही फिल्म की टाइमिंग 3 घंटे से ज्यादा थी और 10 गाने भी थे, बट बाद में 4 गानों को हटा दिया गया। सुपरस्टार शाहरुख खान की गॉर्जियस वाइफ गौरी खान को एक ज्वेलरी स्टोर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। स्टोर की लॉन्चिंग पर गौरी खान के साथ कई बॉलीवुड सेलेब्स नजर आए। इंडियन ज्वेलरी दुनिया की सबसे खूबसूरत ज्वेलरी है। खबरों की माने तो जल्द ही एक्टर आमिर खान अपनी सुपरहिट मूवी लगान की सीक्वल बनाने जा रहे हैं, वो भी नए डायरेक्टर और नई एक्ट्रेस के साथ। लैंड टैक्स पर बेस्ड इस सीक्वल के साथ ही आमिर एक बार फिर ऑस्कर की दौड़ में शामिल होना चाहते हैं, जिसमें लीडिंग लेडी बन सकती है प्राची देसाई। हाल ही में फिल्म चौक एंड डस्टर का क्लाइमैक्स शूट किया गया। फिल्म में एक्टर ऋषि कपूर गेस्ट अपीयरेंस में आ रहे हैं। शाहरुख और मनोज बाजपेयी के इनकार के बाद शबाना आजमी की रिक्वेस्ट पर इन्होंने इस रोल को एक्सेप्ट किया है और अब इस रोल को लेकर वो काफी एक्साइटेड हैं। Who better than ऋषि कपूर? जंजीर से बॉलीवुड में फ्लॉप डेब्यू करने वाले तेलुगु सुपरस्टार रामचरण तेजा को मिला है सुपरस्टार सलमान का साथ, और सलमान की सलाह पर ही तेजा ऐसी फिल्मों में काम करेंगे जिसमें 2 हीरो हों। बॉलीवुड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कीप वॉचिंग दैनिक भास्कर .com।